हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पांच अलग किस्म के जानवरों के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर पांच से। नंबर पांच पे आता है रेड लिप्ड बैटफिश। इस समुद्री जीव को देखिए, ये दिखने में एक पत्थर की तरह लगता है पर पत्थर नहीं है। ये समुद्र में रहने वाला एक जानवर है। ये अपने लाल होठों के लिए जाना जाता है और ये गैलापागोस आइलैंड के पास पाया जाता है। और ये जानवर बहुत रेयर है, मतलब ये कि ये जानवर बहुत कम पाया जाता है। इस जानवर के सिर के बीचों बीच एक हॉर्न भी है जो इसे सबसे अलग बनाता है। और इसके दो ख़ास बातें हैं, वो ये कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये तैरने की वजह चलता है। नंबर चार पर है एग्जॉल्ट वॉकिंग फिश। ये जीव दिखने में छोटा है और मेक्सिको सिटी के कई तालाब में पाया जाता है। साइंटिस्ट ने कहा है कि ये जीव किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये किसी समुद्री जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस जानवर के पास एक ख़ास एबिलिटी है जो बाकी जानवरों से इसे अलग करती है और जो बाकी जानवरों में नहीं पाई जाती, वो ये है कि ये अपनी फसली की हड्डी रीजनरेट कर सकता है अगर वो किसी वजह से टूट जाए तो। ये दिखने में ग्रे और ब्लैक कलर का होता है, ज़्यादातर ये मैक्सिको सिटी के तालाबों में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम मैक्सिकियन एजॉल्ट वॉकिंग फिश है। नंबर तीन पर है डैनी बेयर हर्टेड ग्लास फ्रॉग। वैसे तो ग्लास फ्रॉग के बहुत से स्पीशीज है पर ये छोटा प्राणी एक नई खोज है। शायद इसका हरा रंग आपका ध्यान खींच ले, पर इसकी ट्रांसपेरेंट बॉडी जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसके आर पार आप सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ तक उसके इंटरनल पार्ट्स को भी। ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट फॉग है, इसीलिए इसका नाम ग्लास फॉग रख दिया गया है। और ये साइज में एक इंच का होता है। नंबर दो पर है ग्लोइंग टर्टल। पिछले ही महीने की बात है, डाइवर्स ने सोलोमन नाम का एक आइलैंड के पास इस प्राणी को खोज निकाला है, पर ये पहली बार ऐसा जीव खोज निकाला गया है जो ग्लो होता है। ये टर्टल का शेल लाल और हरा रंग में ग्लो होता है। नंबर एक पर है घारियल। ये जो रेप्टाइल आप देख रहे हैं, कोई नॉर्मल क्रोकोडाइल नहीं है। ये जानवर इंडियन और पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। इस जानवर को 110 दांते हैं जो इसके नाक में होते हैं। इसकी नाक बहुत लंबी है, इसीलिए उसमें 100 दांत फिट आते हैं। विज्ञान ने ये कहा है कि ये घारियल के सिर्फ 235 की गिनती में अभी इस दुनिया में मौजूद है।